कहानी ऐसी है कि टाइगर नागेश्वर राव जो है ना वो मतलब एक 3 घंटे की ड्यूरेशन है, सब्जेक्ट भी वैसा है ना, तो हिसाब से वो 3 घंटा ठीक है उसके लिए। ऐसी पिक्चर होनी चाहिए, गणपत जैसी नहीं होनी चाहिए, बस पैसा। नागेश्वर राव बहुत अच्छी मूवी है यार, मतलब समझो तो साउथ की मूवी है, अभी आजकल इंडियन या हिंदी में भी रिलीज करना चाहिए, करते हैं ये लोग, लेकिन बहुत कम स्क्रीन देते हैं, इसके वजह से जो भी रिस्पांस है पब्लिक कम दे पाती है। मैं भी देखने के लिए बोले तो इधर थाने से आया। अरे बाप रे, ओके। अभी दूसरा लियो का टिकट है मेरे को, दिन पसंद आई आपको? बहुत कहानी अच्छी है, बस सब कुछ अच्छा है। ओके, कैसी है फिल्म टाइगर नागेश्वर राव? टाइगर नागेश्वर राव मूवी एकदम फंटास्टिक है। फंटास्टिक है, मजा आया। कहानी क्या है? कहानी ऐसी है कि टाइगर नागेश्वर राव जो है ना वो मतलब एक क्रिमिनल दिखाया है, लेकिन वो होता अच्छा ही आदमी है। अच्छा, ओके। दिखाया क्रिमिनल गया है, बस पसंद आए। हाँ, देखना चाहिए लोगों ने, 100% देखना चाहिए। अच्छा। फुल पैसा वसूल मूवी है, पैसा वसूल है। रवि तेजा, मास महाराजा, मास महाराजा, सुपर हिट, सुपर हिट। ओके, टाइगर नागेश्वर राव एकदम एक्सलेंट, ऑसम मूवी। ओके ओके, कहानी अच्छी लगी? स्टोरी भी अच्छी है, एक्शन भी अच्छा है, और सब कुछ अच्छा है। ऐसी पिक्चर होनी चाहिए, गणपत जैसी नहीं होनी चाहिए, बस पैसा वेस्ट। अरे पैसा वेस्ट हो गया गणपत में, इसमें गणपत तो पैसा बहुत वेस्ट। लंबी पिक्चर है, 3 घंटे लंबी पिक्चर है, 3 घंटा पूरा, 3 घंटा 5 मिनट बिठा भाई। अरे बहुत अच्छी स्टोरी यार, देखना चाहिए सबको। ओके, आपको कैसी लगी पिक्चर? एक नंबर, दूसरा पार्ट भी आना चाहिए इसका। इसका दूसरा भी आना चाहिए। हाँ? पैसा वसूल हुआ है? पैसा वसूल। रवि टाइगर नागेश्वर, अरे अच्छी है, रवि तेजा की एक्शन तो हमेशा अच्छी रहती है। जी जी जी, कहानी कैसी है इस बार? अच्छी अच्छी, रियल स्टोरी है। ड्यूरेशन भी थोड़ा लंबा लंबा है, लेकिन अच्छा है, बोरिंग नहीं है। बोरिंग नहीं की, बोरिंग नहीं की। ओके, पैसा वसूल करा है, वसूल 100। ओके, कैसी है पिक्चर? पिक्चर बहुत अच्छी है जी, एक्शन बहुत अच्छा है, एक्शन अच्छा है, बहुत अच्छा। ज्यादा मारधाड़ किया है सुना ना? बहुत ज्यादा मारधाड़। हाँ, पसंद आएगा, लेकिन अपने हिंदी दर्शकों को पसंद आना ही चाहिए, आना चाहिए। ओके, आपको कैसी लगी फिल्म? सुपर सुपर है, सुपर है। बहुत ही अच्छी मूवी लगी, रवि तेजा की जो एक्टिंग और एक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो मैं पहले से ही उसकी फैन, तो मुझे तो पसंद आनी ही थी ये मूवी। Okay. पहले कौन सी फिल्म देखी थी उनकी, कौन से फिल्में आपको पसंद आई? काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में देखी हैं मैंने, लेकिन पहले साउथ से मेरे को उतना नहीं था, लेकिन ये टाइगर का जब से प्रमोशन हुआ था तब से मैं कुछ अलग ही क्रेज़ था, और मैंने जब इसका ट्रेलर देखा था तभी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तभी मैंने डिसाइड किया था फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखूंगी। okay. इसके लिए मैंने आज ये मूवी देखी है। कृति सनन की बहन है नुपुर, उसका काम कैसा था? पहली एक्टिंग बार हम शायद देख रहे हैं उनको। हाँ, एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसको इंटरवल में ही ख़त्म कर दिया, तो वो अच्छा नहीं लगा। उन लोग की केमिस्ट्री रहनी चाहिए थी, एंड टू एंड तक रहनी चाहिए थी, ऐसा मेरा है, लेकिन ख़त्म कर दिया बीच में वो, उसके लिए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है नुपुर के लिए। स्टोरी कैसी है इस फिल्म की? कैसे काफ़ी अच्छी है, एक्शन थ्रिलर मूवी है, काफ़ी रवि तेजा पर ही ज़्यादा फोकस किया गया है, ऐसा नहीं है कि अनुपम खेर का भी जो अपना एक्टिंग है वो भी है, वर्सेटाइल एक्टर हैं वो भी, तो काफ़ी अच्छी भी एक्टिंग है उनकी। okay. रवि तेजा तो ऑल टाइम है। ओके ओके, क्या प्लॉट है एग्जैक्टली फिल्म का? रवि तेजा है जो एक चोरी करते हैं, 1980 की कोई स्टोरी है शायद, उसके ऊपर वो बेस फिल्म है। okay. और उस पर रवि तेजा ने ये स्टोरी किया है कि वो कैसे चोरी करते हैं, गरीबों का, अपने गांव का भला करते हैं, एंड टू एंड फिर वो स्क्रिप्ट पूरा ओपन होता है कि कैसे कैसे रवि तेजा ने स्टार्टिंग में अपनी जर्नी की थी, कैसे कैसे उन्होंने चुराया था माल, फिर कैसे वो गरीब को लेकर गए, कैसे उन्होंने चैलेंज फेंका था अपने विलन को, फिर कैसे वो लेकर आए अपने साथ, वो सब था। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंटरेस्टिंग प्लॉट है, इंटरेस्टिंग कहानी है, पसंद आ रही है। एंड फाइनली क्या रेटिंग रहेगी इस फिल्म के लिए टाइगर नागेश्वर राव? मेरे लिए 4 रहेगी, क्योंकि एक मैं इसके लिए काट रही हूँ क्योंकि उसने निपुर सेनन को हटा दिया। केमिस्ट्री उनके साथ रहनी चाहिए, केमिस्ट्री ज़्यादा उनके साथ बेटर लगती। गायत्री भारद्वाज की भी एक्टिंग अच्छी है, एक्ट्रेस वो भी अच्छी हैं, लेकिन नुपुर रहती रवि तेजा के साथ तो ज़्यादा बेटर था। ड्यूरेशन ज़्यादा है फिल्म का? 3 घंटे की ड्यूरेशन है, ऑडियंस इससे ज़्यादा परेशान हो जाती है फिल्म को। आई थिंक ड्यूरेशन कम रखना चाहिए था, 2.5 रखना चाहिए था। 3 घंटे में ऑडियंस ऐसे नहीं बोल सकती कि बोरिंग मूवी है, लेकिन ऑडियंस को उतना नहीं जम सकता है, तो 2.5 रहना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर रहती। और स्टोरी बैकग्राउंड तो काफ़ी अच्छा था ही उसका। ओके,
नागेश्वर राव एक नंबर भाई, अच्छी पिक्चर है। कैसा मतलब क्या अलग दिखाया है इस बार? बहुत स्टोरी, टाइटल भी एकदम अलग है, स्टोरी भी अच्छा है भाई। अच्छा, गरीबों के ऊपर बनाया, गरीबों के ऊपर कहानी बनाया। अच्छा, दो दो हीरोइन है और विलन कैसे? विलन एक नंबर भाई। अच्छा, एक नंबर। पसंद आएगी लोगों को? बहुत अच्छा, हिंदी दर्शकों को? हाँ भाई बहुत अच्छा, देखना चाहिए। हाँ देखना चाहिए। ओके ओके, एक्शन कुछ अलग दिखाया? एक्शन बहुत अच्छा था। हाँ, शुरू में वो फाइट सीक्वेंस बहुत अच्छा दिखा ट्रेन का। अच्छा, ट्रेन का फाइट सीक्वेंस एक नंबर भाई। पिक्चर का ड्यूरेशन ज्यादा है, 3 घंटे के ऊपर? हाँ, 3 घंटा, मगर बैठा के रखता है। बैठा के रखता है। ओके ओके, तो देख सकते हैं लोग? हाँ देख सकते हैं। अच्छी, भले 3 घंटे की है लेकिन कहीं बोर नहीं होते। ओके, एक्शन मूवी है, स्टोरी भी अच्छी है और बीच में मेन इसका है ना, हम लोग बोर नहीं होते, कंडाला नहीं आता। ओके, कंटिन्यूटी अच्छी है, कंटिन्यूटी अच्छी है, मतलब स्क्रीन प्ले अच्छा रहा है। वैसे मसाला मूवी है लेकिन ऐसा है इसका रवि तेजा का, क्योंकि पहले भी 2 पिक्चर है हिंदी में लेके आए थे, इतने चले नहीं थे। थिएटर मिलने चाहिए ना, थिएटर बहुत कम मिले हैं ना, क्योंकि अभी ये सब और भी अपनी हिंदी फिल्म आ गई है, तो उसकी वजह से थिएटर कम है, लेकिन थिएटर मिलेंगे तो बहुत चले। टाइटल देखो, टाइगर नागेश्वर राव है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, कहानी कैसी दिखाई है? नहीं अच्छी कहानी तो मसाला है, लेकिन उसको अच्छी तरह से पेश किया हुआ है। अच्छा, कहीं आप बोर नहीं होते। ओके ओके, जैसे क्या जो पकड़ होती है ना कहानी की, वो लास्ट एंड तक पकड़ के। बाकी जो किरदार है उनका काम कैसा? नहीं, सबका अच्छा है। अनुपम खेर जी भी अच्छे, मतलब साउथ में फर्स्ट टाइम मैंने तो उनको मूवी में देखा। okay. लेकिन वहाँ पे अपना बॉलीवुड का वो पूरा रोग जमा उनको दिया है, मतलब काम दिया है, अच्छा काम, फुटेज है, अच्छा अच्छा फुटेज है, फुटेज अच्छा अच्छा है। उसमें भी छा गए वो। ओके ओके, तो देखना चाहिए हिंदी दर्शकों, देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, सबकी मेहनत भी है ना उसके पीछे, पिक्चर बनने में सबकी मेहनत लगी हुई थी, पिक्चर मूवी तो देखना चाहिए। एक्शन कुछ ज़्यादा है? नहीं नहीं, जो चाहिए वैसे वो हिसाब से ठीक है। हाँ, उतना होना चाहिए उतना। गाने कैसे? पिक्चर गाने ठीक है, गाने तो क्या इतने गाने का तो इम्पोर्टेंस है हाँ, लेकिन ज़्यादा गाने नहीं, वो बहुत अच्छे। अच्छा, ज़्यादा गाने होते तो बोर हो जाती है ना, वो स्टोरी और किधर ट्रैक पकड़ लेती है। स्टोरी के हिसाब से अच्छे गाने लिमिटेड रखे हुए हैं। जो आपने बोला 3 घंटे की है, तो वो ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन है? नहीं, कुछ लगा ही नहीं, ऐसे लगा ही नहीं है। अच्छा, सब्जेक्ट भी वैसा है ना, तो हिसाब से वो 3 घंटा ठीक है उसके लिए। ओके ओके, रेकमेंडेड है, अच्छी रेकमेंडेड है। हाँ, जा सकते हैं, लोगों ने देखना चाहिए। ओके, किसी को कोई भी फिल्म को बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि पीछे सबका इतना मेहनत होता है ना। सही बात, तो बुरा बोलने से क्या, कोई आता नहीं है तो उतना पैसा भी तो वसूल होना चाहिए। करेक्ट, अच्छी मूवी है, मज़ा आया देखने के लिए। थैंक यू।